क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट किया है, नवी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर देखो क्या कह रहा है, इन ए इलेक्शन, कोई इलेक्शन हुआ, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड। कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का मतलब ये है कि जो उस टाइम पे इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जो विनर था, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वो होता है जो प्रतियोगिता में उसने पार्टिसिपेट किया और वो विनर हो, उसने कितना रन, सॉरी कितना वोट उसने स्कोर किया, वन स्टैंड हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक 577,500 उसने वोट स्कोर किया, एंड हिज नियरेस्ट रिवेल। रिवेल क्या होता है, जो दूसरा जो उसका नियरेस्ट रिवेल मीन्स उसका जो नियरेस्ट जो प्रतियोगी प्रतिभागी जो उसने भाग लिया था प्रतिभा में इलेक्शन में, उसने स्कोर किया 348,700 वोट। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। मार्जिन होता है कितनी डिफरेंस से, उसने उसको कितना और जरूरत पड़ता विन द इलेक्शन, इलेक्शन को जीतने के लिए उनको कितना और वोट्स की उसको नीड थी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट का कितना था, यहाँ पे देखो वोट्स, इसी में से ही आपको बनाना है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखी है इसी के अंदर से बनाना है। वोट सिक्योर्ड बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट, कितना किया उन्होंने, सक्सेसफुल कैंडिडेट का कितना था 577,500, इतना उसने वोट स्कोर किया था। अब जो रिवेल था, जो नियरेस्ट रिवेल था, उसने कितना स्कोर किया, वोट सिक्योर्ड स्कोर्ड, सिक्योर्ड नहीं भाई ये स्कोर्ड है, एस सी ओ आर ई डी स्कोर्ड, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, स्कोर्ड बाय द नियरेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है नियरेस्ट रिवेल, सिक्योर्ड भी कर सकते हैं स्कोर्ड भी कर सकते हैं, कितना 348,700 उसने इतना स्कोर किया। तो उनका मार्जिन कितना रह गया जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसका, मार्जिन बताओ उसका, मार्जिन द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन कितना मार्जिन था, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया है उसी के अकॉर्डिंग ये है। तो यहाँ पे जीरो, जीरो में से जीरो, यहाँ पे फिफ्टीन यहां से कैरी ले लेगा, फिफ्टीन सेवन सब्ट्रैक्ट करोगे फिफ्टीन में से तो यहाँ पे आ जाएगा एट, सिक्स यहाँ पे बचा, यहां से कैरी लेगा सिक्सटीन में से एट, यहाँ पे सिक्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा, फोर में से थ्री गया वन, फोर फाइव में से थ्री गया टू, उसको इतना और रन और वोट्स मिल जाते तो वो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसके इक्वल हो जाता, 228,800 उसको जरूरत था। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड था, ये इसका आंसर है। मार्जिन कितना आया उनका, 228,800 इतना वोट्स उसको और चाहिए था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर फोर, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज
285,891 इन द फर्स्ट वीक। कीर्ति का कोई बुक स्टोर था वो सोल्ड करती है एक वीक, जो जून मंथ का फर्स्ट वीक था उसके अंदर वो सोल्ड करती है 285,891। फिर वो सेकेंड वीक में कितना करती है 4,768 इन द सेकेंड वीक। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द टू वीक्स, हाउ मच मीन्स टोटल, टोटल उसने फर्स्ट वीक में इतना सेल किया, आफ्टर द सेकेंड वीक में उसने इतना सेल किया, टोटल कितना सेल हुआ वो बताना है, वीक्स टू वीक्स टूगेदर इकट्ठा। इन विच वीक्स वॉज द सेल ग्रेटर, और जो दोनों वीक में उसने कौन से में ज्यादा सेल किया था, एंड हाउ मच और कितना किया था। सो गाइज इन फर्स्ट वीक, इन फर्स्ट वीक सोल्ड बुक्स रुपीज कितने की 285,891 रुपीज की उन्होंने सोल्ड की फर्स्ट वीक के अंदर, ये फर्स्ट वीक। अब सेकंड वीक के अंदर कितना सोल्ड कर किया उन्होंने 4,768 इतने रुपीज का किया उन्होंने। अब कह रहा है हाउ मच द सेल फॉर द टू वीक्स टुगेदर, टोटल में बताना है कि उन्होंने दोनों वीक्स में कितने की, इसके अंदर टोटल जो टुगेदर बोलना है वो करेंगे, टू वीक्स सोल्ड फॉर टू वीक्स, यहीं से करना है आपको, वीक्स टुगेदर दोनों के अंदर कितना किया, अब इन दोनों को कर देंगे हम यहीं पे टोटल। सो गाइज यहाँ पे नाइन और सिक्स 15, वन कैरी चला जाएगा, नाइन और सेवन 16, वन कैरी, सिक्स 8 और 6, इतना उन्होंने दोनों फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर उन्होंने सोल्ड किया, 6,86,659 रुपीज का उन्होंने सोल्ड कर दिया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और अराइज इन्होंने किया हुआ है, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर, कौन से वीक में ज्यादा सेल हुआ था। देखो एक 2 लाख है, एक यहाँ पे 4 लाख है, तो कौन सा है ज्यादा, 4 लाख वाला, तो इन सेकेंड वीक सेल ग्रेटर इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक में कितना किया था उसने 4,768। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, हाउ मच कितना, तो उसने पहले वीक में कितना किया था 2,85,891, तो जो हमें पता है कि उसने ज्यादा सेकेंड वीक में किया था, कितना किया था, यदि हमारे पास, मैंने कल 10 रुपीज खर्च कर दिए, 10 रुपीज का मैंने कुछ भी परचेज कर लिया, और आज मैं 20 रुपीज का ले आई, तो कोई मेरे से पूछे कि आपने कल से कितना ज्यादा रुपए खर्च किया, तो मैं 20 में से 10 को लेस कर दूंगी, और आफ्टर सब्सट्रैक्शन जो हमें मिलेगा वो हाउ मच, मतलब कितना ज्यादा है। तो ऐसे ही सेकेंड वीक का हमारा कितना था, हाउ मच का क्या आएगा 4 लाख फर्स्ट वीक का था, सेकेंड वीक का, ये फर्स्ट वीक का था, अब सेकेंड वीक का कितना था 2,85,891। तो हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे सब्सट्रैक्शन, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, 7, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पे 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे फिर 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो उसको कितना ज्यादा 1,14,877 रुपीज उसको ज्यादा सेल किया उन्होंने एज कम्पेयर टू सेकेंड वीक। सो गाइज यहाँ पे फर्स्ट वीक का कितना निकाला था हमने, दोनों में से पहले हमें डिसाइड, मतलब इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से वीक में उसने ज्यादा सेल किया है, तो इन सेकेंड वीक में उसने ज्यादा ग्रेटर, उसने सेकेंड वीक में ज्यादा सोल्ड किया था, फर्स्ट वीक में उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हाउ मच कितना, तो हम इसको क्या कर देंगे, जो सेकेंड वीक है
सॉरी, यहाँ पे सेकंड वीक है और यहाँ पे ये फर्स्ट वीक है, तो सेकंड वीक में से हम फर्स्ट वीक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा गाइस आ जाएगा उनका डिफरेंस, उसने कितना ज्यादा कौन से वीक में ज्यादा कमाया और कितना ज्यादा कमाया ग्रेटर। सो गाइस आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ यू अंडरस्टूड एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। कल हम पढ़ेंगे इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।